मिलने आया है। ऐसे नहीं, विजिट तो मैं हर दिन करता हूँ, क्योंकि मेरा इलाका में यहाँ आया है, बेटा है, इनका हेल्थ को लेके इनका यहाँ एज ए डीसी कैपिटल मेरा फर्ज बनता है कि कोई भी चीज़ मेतर जो है सुलझा जाने से अच्छा है। तो मैं अभी हमारा मामा नातुंग जी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉरेस्ट और उन्होंने का इनविटेशन में मैं गया कि क्या बात है, तो उन्होंने एक चिट्ठी हमको दिया है, इनविटेशन दिया है कि दोदुम जी को मामा नातुंग जी को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्शन दिया कि वो इनको बुला के बात करे, उनका ग्रीवेंसेस को सुने और उसका रिजॉल्व करे। तो उस हिसाब से अभी हम कागज़ को लेके उनका वो ईडी का साथ में अभी आया और दोदुम जी को हमने चिट्ठी को दिया है, रिसीव लिया है। और मैंने अपना पर्सनल कैपेसिटी में एडवाइस सजेशन भी दिया है एज ए एल्डर ब्रदर ऑल्सो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रॉस टेबल में बैठ के बातचीत तो होना चाहिए। और जब गवर्नमेंट ने मामा नातुंग को इंडोर्स किया, उनको अपॉइंट किया कि इसको सॉल्व करने के लिए, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो जाना चाहिए। आज उनको इनवाइट किया, आज शाम को सेकेंड अपना हाँ बुलाया है। और मामा नातुंग जी ने यही बोला है कि अगर आज नहीं आ सकता है तो कल भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, वो एक टाइम दे देने से। तो वहाँ पे जो जो लोग कौनसान आदमी लोग हैं वो लोग भी साथ में रहेगा और मेटर को रिजोल्व करने के लिए कोशिश करेगा, मुझे ये मैसेज उनको देने के लिए कहा है। सर उसका तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया आप? हाँ, ये उनका कहना है कि उनका कुछ कोर कमिटीज है और उनका जो पब्लिक है और सभी लोग मिलके और लोग अभी बातचीत करेंगे और एक डिसीजन लेंगे और लेके और इन राइटिंग में वो जवाब देंगे। सर अभी जो रिप्रेजेंटेशन लेके आए हैं तो जो मामा नातुंग आप कह रहे हैं तो ऑन बिहाफ ऑफ लाइक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है या एज अ मिनिस्टर फ्रॉम ईस्ट कमिंग? नहीं, नॉट एज अ मिनिस्टर फ्रॉम ईस्ट कमिंग, वो तो ईस्ट कमिंग का मिनिस्टर इंचार्ज तो है, लेकिन अभी जो है हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मतलब है गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से उनको अपॉइंट किया है, डेलीगेट किया है, तो इसलिए मैंने उनको कहा कि वो मिलना चाहिए, मिलने से अच्छा रहेगा। क्या क्या पॉइंट रखा है सर, वो अगर थोड़ा ब्रीफ में अगर बता पाए तो सर? नहीं नहीं, वो तो दोदुम ही बता पाएगा, मुझे तो पॉइंट्स को इतना पता नहीं है। सर और आप एज अ कंसर्न डीसी आप शुरुआत से ही काफ़ी सपोर्ट कर रहे गए रहे जो आपका ड्यूटी बनता है, तो सर अभी जैसे आपने कहा कि आपकी तरफ से आपने कहा तो है जाके मिलने के लिए, तो और आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी लोगों का सपोर्ट है, क्योंकि करप्शन तो अरुणाचल में पूरे इंडिया में कह सकते हैं, लीडिंग में भी कह सकते हैं, तो अभी ये सब चीज़ को लेकर आप किस तरीके से सोल दोदुम को आप बोला है या फिर आप बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छी सवाल, अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन ये सवाल इस समय में जवाब देने का नहीं होता है। मैंने मेरा पर्सनल कैपेसिटी में यही रहेगा कि कोई भी जगह में कोई भी सिस्टम में जो करप्शन है वो तो 100% इलिमिनेट नहीं होगा, इरेडिकेटेड नहीं होगा, मिनिमाइज करना चाहिए। और हम सभी जो सरकारी नौकर है, नौकर चाकर लोग हैं, हमको नहीं भूलना चाहिए कि सरकार हमें इसलिए तंखा देता है कि अच्छा काम करना चाहिए। मैं पर्सनल बात बोल रहा हूँ, कोशिश करना चाहिए। सर लास्टली वन मोर, लास्ट कल हम लोग जब चीफ मिनिस्टर इनसे इंटरेक्ट हुआ था तो उसने बोला था कि ही लुक द मैटर एंड ही यू नो ही इन्वेस्टिगेट द मैटर फर्स्ट, एंड सो उसके बाद आज हमने सुना है कि आपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव लेके आए हैं, तो सर और उनका कहना ये है कि अभी पब्लिक भी साथ दे रहा है और यू नो उसका जो अगेंस्ट में था भारत सोनम हेड स्टेटेड दैट वहाँ का जो लोग है वो लोग विदाउट वो ये कंपनसेशन के हिसाब में वो लोग यू नो देवर हैविंग ट्रबल, तो पब्लिक लोग भी एंड ही इज आल्सो सेइंग दैट इट इज नॉट हैविंग ट्रबल, तो आपको क्या मतलब कुछ इन्वेस्टिगेशन तो आप भी किए होंगे कि बिल्कुल हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। मेरा जो ड्यूटी है इन लोगों का देख रेख करना है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं निकलना चाहिए और यहाँ हेल्थ इश्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरा मजिस्ट्रेट डिप्लॉयड है, पुलिस डिप्लॉयड है, मैं खुद भी शाम को रात को कभी कभी आता है, देख के निकल जाता है। और ज़रूर ऑनरेबल सीएम ने अपना विजडम यूज़ किया है, तो ज़रूर कुछ
कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकालने के लिए और कुछ चीज़ तो उनको उनका विजडम में आया है कि इसको देखना चाहिए, इसलिए हमारा जो ऑनरेबल मिनिस्टर को अपॉइंट किया है। और जो भी व्यूअर्स है वो मैं यही कहूँगा कि सरकार पॉजिटिव है, बात करना चाहता है, और जो भी लोग इस चैनल या इस वीडियो को देख रहा है उन लोगों को भी रिक्वेस्ट है कि समाज में उथल पुथल नहीं होना चाहिए, मैंने शांति होना चाहिए और निगोशिएशन करना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। सर, यू आर सीडिंग अबाउट द हॉस्पिटलिटी ऑफ द, मतलब यहाँ के लोगों के लिए आप उसका हेल्थ इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आई हैव विटनेस दैट सोल दुलोंग वाज हैविंग हेल्थ इश्यूज ऑन लास्ट टाइम एंड दिस इज द लास्ट डे ऑफ द धरना एंड यू नो लास्ट ऑन द सेकेंड डे ही वॉज रियली ट्रेवलिंग एंड पीपल वेर रियली स्ट्रगलिंग टू रीच अप टू इवन अप टू आर के मिशन हॉस्पिटल। तो सर, आपने अभी हेल्थ इश्यूज के बारे में बोला, सर डोंट यू थिंक दैट कि यहाँ पे कुछ नर्सेस या फिर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, इसमें हमारा नहीं हमारा जो डीएमओस है, जो मेडिकल इंचार्ज है, उन लोगों को बोल के रखा है कि एज इन वेन, आपने मेरा फेसबुक अगर पूरा खुल के देखने से डे वन से मैंने यही बोला, अगर हेल्थ इश्यू होने से हमको कवर देना है, एनी टाइम हमारा हॉस्पिटल का नर्स डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट के लिए आ जाएगा। सर, डोंट यू थिंक दैट कि यहाँ पे अगर नहीं ऐसे कोई नहीं नहीं, देखिए ये इश्यूज ऐसे है कि हेल्थ इश्यूज जो है हमारे यहाँ अपडेट है, इसलिए कोई ऐसे रखने का ऐसा नौबत नहीं आया, रखने का नौबत आएगा मैं रख दूँगा।